अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे खाकर आपके बचपन की याद आ जाएगी। तो माँ के हाथ की बनी हुई ये रेसिपी गुड़म्बा अक्सर हम बचपन में हमारी माँ के दादी नानी के हाथ से खाया करते थे। तो अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो एक बार ये हर किसी के घर पे बनता ही है। बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कच्चे आम लिए थे और इस तरह से मैंने इसको कट करके धो करके रख लिया है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर गुड़ ली हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी लौंग है और यहाँ पे थोड़ा सा आटा है और यहाँ पे घी है। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसे पैन को मैंने पहले ही से गर्म कर रख लिया था। अब हम इसमें आटे को डालते हैं, आटे को भून लेंगे। इसी कढ़ाई में हम पूरा बनाएंगे बिना किसी दूसरे बर्तन को गंदा किए हुए। पहले हम आटा को भून करके निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसमें आम को लाल करेंगे। आटे को जलाना नहीं है, बस इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तब तक इसको अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होता है। अभी आटे का कलर कैसा है तो देखिए, माशाल्लाह आटे का कलर चेंज हो गया है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। हम इसमें घी डालेंगे। देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है और हम इसमें आम डालेंगे। आम को यहाँ पे मैं इस तरह से घी में अच्छे से लाल कर दूँ। तो देखिए अब हम गुड़ को मेल्ट करने के लिए रखते हैं, पानी डालते हैं। गुड़ को अच्छे से पिघलने देंगे, फिर हम इसको छान लेंगे क्योंकि गुड़ में थोड़ी बहुत गंदगी रहती है ना, तो छान लेंगे तो सारा निकल जाएगा। गुड़ को यहाँ पे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद जब मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको छान लेंगे क्योंकि गुड़ में भी थोड़ी बहुत गंदगी रहती है। छान लेंगे और फिर देखिए उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी जो बचा के रखी थी वो डाले हैं और उसमें लौंग जो रखे थे वो लौंग को डालना है। और उसके बाद थोड़ा सा क्रैकल होने के बाद पिघला हुआ गुड़ हम इसमें डालेंगे और गुड़ को बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। इतना देर तक पकाएंगे ताकि गुड़ का जो कच्चापन रहता है वो सब ख़त्म हो जाए। देखिए सारे गुड़ को मैंने इसमें अच्छे से डाल दिए। तो गुड़ को हम इस तरह से इसको छोड़ देते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से इसमें उबाल जब आ जाएगा, जब ये अच्छे से खोल जाएगा और गुड़ बहुत ही अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें आम को डालेंगे। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं उबाल आने के लिए। तो देखिए गुड़ बहुत ही अच्छे से पक चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा उबाल आ चुका है, बहुत ही अच्छे से ये उबाल को आ गया है, इसमें कड़कने भी लगा है। और अब हम इसमें आटा को यहाँ पे मैंने घोल के रखा था, जो आटा को मैंने भुनी थी उसको मैंने इस तरह से घोल ली हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे, गैस के फ्लेम को थोड़ा स्लो करते हैं और थोड़ा थोड़ा आटा डालते हैं। आटे को थोड़ा पानी में इसको घोल लेना, थोड़ा थोड़ा डालते इसमें ताकि इसमें कोई लम्स ना आए, गाँठी ना पड़े। अब हम गुड़ और आटे को इतना पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, ये अपने आप ही गाढ़ा होने लगता है और इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा, फिर हम आम जो रखे हैं उसको हम डालेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से ये खोल रहा है और इसको इस तरह से चला चला के पकाएं, नहीं तो ये इसमें लम्स या फिर नीचे से तले पर लग सकता है। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा भी हो रहा है। देखिए अब ये गुड़ और आटा बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका था, ये देखिए। तो अब हम इसमें आम डालते हैं। बहुत धीरे धीरे इसको डालिए। बहुत लग रहा है।
तो आम डाल करके भी इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से आम भी गल चुका है और यहाँ पे देखिए गुड़ भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो माशाल्लाह अब हमारा गुड़म्बा बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह देखिए गुड़म्बा बनकर तैयार हो गया है, ये ठंडा होने के बाद अच्छा लगता है खाने में, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। माशाल्लाह देखिए गर्मा गर्म गुड़म्बा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन चपाती के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।